हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हैं केजी ब्लॉग्स और आज हम करने वाले हैं, आज मैं अपने कार i20 के लिए सबवूफर की बॉक्स बनाने वाला हूं और सारी मैंने चीज़ें ले ली हैं A to Z। उसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत है मैं वो बता देता हूं। एक तो मैंने फेविकॉल ली है आधा किलो की और कील है उसको बिल्ड करने के लिए खूब सारी, मैं अभी आपको पास से दिखा दूँगा। और कहते हैं मैंने दो पाइप लिए हैं क्योंकि एयरपोर्ट बनाने के लिए उसके हवा जहाँ से निकलेंगी। और मैं इसे मैंने जैसे जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था, मैं इसे बैंडपास इंक्लोजर में बनाऊंगा। और क्या कहते हैं, ये इंक्लोजर पूरी डिक्की को घेर लेगा पर बचेगी नहीं लेगा, पर एकदम बेहतरीन बनेगा एकदम। और क्या कहते हैं, मैं इसके नट्स लाया हूँ जो ये लगेंगे, मैं अभी बाद में दिखा दूँगा मैं आपको। और क्या कहते हैं, इसकी ड्रिल मशीन की ज़रूरत है, इसमें ड्रिल मशीन काम आएगी, इंची टेप। और हमारा वूफर तो आपने पिछले उसमें वीडियो में देख ही लिया होगा। और कहते हैं मैं इस इंक्लोजर का साइज अभी बता दूंगा नाप कर कि मैंने क्या क्या ले रखा है। आपको पसंद आए तो आप भी बना सकते हैं। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या सामान ले रखा है पास से, क्योंकि दूर से पता नहीं चलता मैंने क्या क्या सामान रखा है। एक तो मैंने ये वाली कील ले रखी है, मतलब पेच ले रखा है, पेच टाइप कील है। तो ये इसमें घुस के प्रॉपर टाइट हो जाता है जिससे बाहर नहीं निकले। और जो आप कील लगाओगे ना बॉक्स के अंदर, तो जब वूफर अपनी प्रेशर से हवा फेंकेगा तो वूफर ढीला हो जाता है, वो बोर्ड ढीला हो जाता है। इस वजह से मैंने ये पेस्ट टाइप कील ली है, आप देख सकते हैं आपको दिख रहा होगा। ये मैंने कील ली है, ये मैंने 300 कील ली है। और क्या कहते हैं, मैंने ये बॉश की मशीन ली है, ये 2000 रुपये की आई है इसको बनाने के लिए। वैसे भी घर में ज़रूरत पड़ जाती है, इस वजह से मैंने बाय कर ही ली है पूरी। इसमें दिखा देता हूँ मैं क्या क्या आता है। वैसे मैंने यूज़ कर लिया है मैंने इसे काफ़ी टाइम से, काफ़ी हैवी मशीन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने बॉश का ही ड्रिल लिया था, आप देख सकते हैं बॉश का ही ड्रिल है मेरे पास। और क्या कहते हैं, ये इसकी मैनुअल बुक है। इसमें काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं जिससे मेरे को काफ़ी बॉक्स बनाने में इजी हो जाएगा। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों घूम सकती है, जिससे मुझे पेज लगाने में, इससे मैं पेज टाइट कर दूंगा जिससे जल्दी जल्दी काम हो जाएगा मेरा, काफ़ी टाइम बचेगा मेरा। काफ़ी पावरफुल मशीन है ये बॉश की। और मैं सामान दिखा देता हूँ मैं आपको। और मैंने ग्लू लिया है SH की, ये ग्लू है 500 ग्राम होगी इसमें ग्लू, छोटी लिया। ये मेरी कॉस्ट पड़ी थी 110 रुपये की। और मैंने ये एलन की वाले नट लिए हैं, आप देख सकते हैं। और इसके साथ मैंने ये पेस्ट टाइप लिए हैं, ये ऑटोमेटिक उसमें फंस जाएंगे मेरे बोर्ड के अंदर, मुझे कोई जुगाड़ करके गौन ला कर रोकना नहीं पड़ेगा, सीधा ये जो नुकीली चीज़ें हैं ये फंस जाएगी इसके अंदर बोर्ड के अंदर और मैं कस दूंगा जिससे मेरा वूफर कहीं नहीं हिलेगा। इसे टी नट बोलते हैं, इस चीज़ को टी नट बोलते हैं, टी नट, आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको, और ये मैं स्प्रे लाया हूँ एयरपोर्ट पर स्प्रे करने के लिए, ऑरेंज रंग का स्प्रे है, और ये मैंने एक एक फुट के दो कटवाए हैं पाइप, जो हमारे नॉर्मल घर में यूज़ होते हैं जो लगते हैं पाइप, वो पाइप हैं ये। ये मैं एयरपोर्ट बनाने के लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, एयरपोर्ट कैसे बनता है। अभी मैं ये दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ मैं लगा रहा हूँ जिससे आप ले आओ। और मैं आपको इंक्लोज़र का साइज़ दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे कटवाए हैं। मैंने अब ये 1200 रुपये का बोर्ड पड़ता है, इसे मैंने कटवा के 100 रुपीज़ कटिंग के लग गए हैं इसके। मैं आपको साइज़ दिखा देता हूँ कैसा है, चलिए। अब मैं आपको साइज़ बता देता हूँ कि इसका साइज़ क्या है, मैंने आपको दिखा देता हूँ इंची टेप से क्या साइज़ है इसका। ऐसे लंबाई में, और
15 इंच ही ऐसे इसकी लंबाई में, चौड़ाई और लंबाई बता दी है मैंने। ये इसके मैंने चार पीस कट, ऐसी मैंने चार पीस और कटवा रखे हैं जिसमें दो में सब बूफर लगेगा और दो बॉक्स को बंद कर देंगे। और मैं इसका साइज़ बता देता हूँ, चारों के चारों एक जैसे ही हैं, बस मैं एक का साइज़ बता दूँगा। एक का तो है 15 से एक सूत कम, और दूसरा इसकी लंबाई है इसकी 14 से एक सूत कम। ऐसी चारों हैं, दूसरा भी मैं दिखा देता हूँ, कभी आपको लगे कि ये चेंज कर करें, दूसरा भी सेम ऐसी की ऐसी है। देखो एक सूत कम है और इसकी लंबाई 1 सूत कम है। ये चारों के चारों मैंने एक जैसे बना रखे हैं। और चलिए अब करते हैं इसकी पूरा प्रोसेस। ओके फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो को एंड कर रहे हैं, काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है। मैंने सब कुछ बता ही दिया कि मैं क्या बनाने वाला हूँ, और जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगी और i20 के लिए ऐसी वीडियो आती रहेंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। ओके बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।